महकमा इत्तला'आत और सकाफ़त हुकूमत पंजाब की तरफ से हर साल 14 मार्च को पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स में पंजाब कल्चर डे का इनेकाद किया जाता है। इस साल भी पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इश्तराक से पंजाब कल्चर डे मनाया जा रहा है। पंजाब कल्चर डे पर पंजाब के रंगीन सकाफत को परजोश तरीके से मनाया जाता है। तकरीब में डायरेक्टर जनरल एम्बेसी इस्लामिक जमहूरिया ईरान आगा रहमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक और नात पाक से किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ निजी स्कूलों के तलबा तलबात ने पंजाबी सकाफत की नुमाइंदगी करते हुए टैबलो और रक्स पेश किए। इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल के तलबा ने पंजाबी गीतों और रवाजों पर टैबलो पेश किया। तकरीब को चार चांद लगाने झूले लाल बैंड ने एक पुरजोश परफॉर्मेंस दी। ढोल की थाप पर रक्स करते इस ग्रुप ने तकरीब में समा बांध दिया। पंजाबी सकाफत का जिक्र हो और लोक दास्तानें ना हो ये मुमकिन नहीं। कॉन्सेप्ट फाउंडेशन स्कूल के बच्चों ने हीर रांझा पर शानदार टैबलो पेश किया। इसके अलावा दीगर स्कूल के तलबा तलबात ने भी सकाफती रक्स पेश किए। यानी ये समझ लें कि आज का दिन हमने ये जो कल्चर शो किया है वो आप ये समझें कि तकरीब के इख्तिताम पर नाहिद मंजूर साहिबा ने मेहमान खसूसी और डायरेक्टर वकार साहब का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद तकरीब के शुरका में इनामात तकसीम किए गए। पंजाब की सकाफत को मजीद उजागर करने के लिए ऐसी रंगारंग तकरीबात का इनेकाद होता रहना चाहिए।